स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम्पिटिटिव पाठशाला। तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा आपको नए अपडेट के बारे में जानकारी देते हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो UFM रिपोर्ट के डेट के बारे में है। तो पहले मैं बता दूँ कि UFM होता क्या है। SSC डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक करने का एक रूल होता है जिसको हम लोग UFM कहते हैं। तो बहुत पुराना एक रूल था कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर रियल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को ज़ीरो मिलता है। तो रियल नेम की जगह हम लोग इमेजिनरी नेम यूज़ कर सकते हैं। ये जो रूल था ये 2017 तक ही था। 2018 में नया रूल चालू हुआ। नए रूल के हिसाब से हम लोग ना ही कोई इमेजिनरी नेम यूज़ कर सकते हैं और ना ही कोई रियल आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को इस नए रूल के बारे में पता नहीं था, जिस वजह से उन्होंने गलती कर बैठा और इसके ऊपर बहुत सारा विरोध हुआ, जिस वजह से SSC ने एक कमेटी गठन की और जिस कमेटी की रिपोर्ट 2020 15 जुलाई तक आने वाली है। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें वीडियो अच्छा लगे तो, और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।